हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये मैं रिव्यू करूंगी अ फ्यू वेरी गुड सनस्क्रीन्स सनस्क्रीन दैट हैज़ हेल्प्ड मी प्रिवेंट एंड रिड्यूस माय टैन बट आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखना क्योंकि हर एक सनस्क्रीन के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया इस वीडियो में सो लेट्स स्टार्ट डॉक्टर शेट का ये सनस्क्रीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन भी है एंड एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा हेवी फील भी नहीं देता है अप्लाई करने के बाद फेस पे ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है मीनिंग इसमें फ़िजिकल फिल्टर्स जैसे जिंक ऑक्साइड टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है एंड एट द सेम टाइम केमिकल फिल्टर्स जैसे एवोबेंजोन और इथाइल हेक्साइन मिथॉक्सनामेड ये भी है इट गिव्स अ नाइस ड्यूवी फिनिश एंड जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है स्किन में सो वॉट आर द पॉजिटिवस ऑफ दिस सनस्क्रीन काफ़ी सारे है ये सनस्क्रीन काफ़ी लाइट वेट है एंड ज़रा भी स्टीकी या ऑयली फील नहीं देता है तो इसके लिए दिस सनस्क्रीन कैन बी यूज बाई पीपल विथ ऑल स्किन टाइप्स नंबर टू दिस सनस्क्रीन हैज सेरोमाइड्स एज वेल एज विटामिन सी तो so, सेरोमाइड्स आपको पता होगा आपके स्किन बैरियर के लिए बहुत अच्छा है स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है एंड विटामिन सी जो एडेड है इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑब्वियसली मिलेंगे जैसे कि आपके स्किन में अगर पिगमेंटेशंस है तो उसे फेट करने में ये सनस्क्रीन हेल्प करेगा या फिर अगर आपको टैन है तो टैन रिमूवल भी फास्ट होगा काफ़ी फास्ट करेगा ये सनस्क्रीन एंड एट द सेम टाइम आपको थोड़ा बहुत एंटी बेनिफिट्स भी देगा ये सनस्क्रीन एंड इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग फॉर योर स्किन ऑल्सो तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो फिर आपको अलग से कोई मॉइस्चराइजर यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप सिर्फ ये सनस्क्रीन यूज करके काम चला सकते हो एंड लास्टली दिस सनस्क्रीन गिव्स नो वाइडकास्ट एंड इट इज अफोर्डेबल ऑल्सो नाउ अबाउट द डाउन साइड ऑफ दिस सनस्क्रीन फर्स्टली अगर आप ये सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले बहुत सारे हाइड्रेटिंग सीरम्स अप्लाई करते हो तो फिर ये सनस्क्रीन आपको थोड़ा ज़्यादा ऑयली लुक दे सकता है दे सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप ऑफ कोर्स तो बी केयरफुल अबाउट दैट एंड सेकेंडली ये सनस्क्रीन अप्लाई करके काफ़ी लोगों को ना स्किन uh, में स्मॉल लिटिल बम्प्स कॉल्ड क्लोज्ड कमीडोन्स हुए हैं तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नाइट में ये सनस्क्रीन को बहुत अच्छे से रिमूव करना प्लीज़ आप डबल क्लिंस ट्राई कर सकते हो इट शुड हेल्प यू और अभी मैं रिव्यू करूँगी कॉज़रेक्स एक्स अलो सूदिंग क्रीम की गुड न्यूज़ पहले से ये सनस्क्रीन का प्राइस थोड़ा कम हो गया है मैंने मैक्रॉन और ब्यूटी बॉन्ड दोनों वेबसाइट में चेक किया है एंड मैं ज़्यादातर मैक्रॉन और ब्यूटी बॉन्ड दोनों वेबसाइट से ही दोनों ऐप से ही कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स परचेस करती हूँ प्राइस ऑफ दिस सनस्क्रीन कीप्स फ्लक्चुएटिंग बट फिर भी आपको 700-800 एट हंड्रेड के अराउंड मिल जाएगा ये सनस्क्रीन बाकी सारे कोरियन सनस्क्रीन के कंपैरिजन में ये काफ़ी अफोर्डेबल है मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको अभी मत परचेस करो थोड़ा सा वेट करके आप जब सेल चल रहा होता है ना तभी परचेस करो तो आपको और अच्छा प्राइस में मिल जाएगा यस yes, सेल आता जाता रहता है इन दोनों वेबसाइट्स में तो आप प्लीज़ थोड़ा चेक करते रहो जैसे ही सेल मिलेगा वैसे ही परचेस कर लो ना मैं भी यही करती हूँ नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्सचर ऑफ दिस सनस्क्रीन इट गिव्स अ ब्यूटिफुल सैटिन फिनिश हल्का सा ग्लो देता है बट नो वाइट कास्ट एंड मेरे स्किन पर तो ज़रा भी ऑयली या स्टिकी फील नहीं देता है ये दिस सनस्क्रीन इज वेरी मॉइस्चराइजिंग तो मुझे तो अलग से कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये सनस्क्रीन ही मॉइस्चराइजर का काम भी कर देता है बट टू इच हीज और हार ओन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर हो सकता है आपको ये सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले अलग से मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़े सेकेंडली दिस सनस्क्रीन हैज़ अलोवेरा एंड लिक्विज एक्सट्रैक्ट एज वेल अलोवेरा जो है वो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही सूदिंग होता है एंड लिक्विज एक्स्ट्रा कैन रियली ब्राइटन योर स्किन इफ यू यूज़ दिस सनस्क्रीन रेगुलरली थर्डली सारे कोरियन सनस्क्रीन्स की खास बात यही है कि ये सारे सनस्क्रीन्स ना बहुत ही लाइट वेट नॉन स्टिकी नॉन ग्रीजी होते हैं तो ये सनस्क्रीन भी वैसा ही है एंड इन शॉर्ट ऑल स्किन टाइप्स कैन यूज दिस सनस्क्रीन कम्फर्टेबली फोर्थली विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दिस सनस्क्रीन इज टेस्टेड एंड वेरीफाइड फॉर इट्स एस पी एफ इन टू डिफरेंट लैब्स तो आप एकदम बिन्दास होकर एकदम बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं मैंने नोटिस किया है जब भी मैं ये सनस्क्रीन अप्लाई करके फिर मास्क पहन के बाहर निकलती हूँ कभी कभी हाँ नॉट ऑलवेज थोड़ा बहुत पिलिंग होता है बट उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं इट्स मैनेजेबल तो आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखना कि पिलिंग हो सकता है ये सनस्क्रीन यूज़ करके किसी किसी को होता है हर किसी को नहीं अभी मैं बात करूँगी और एक कोरियन सनस्क्रीन की जो आजकल मेरा फेवरेट बन गया है द ब्यूटी ऑफ जोसोन सन रिलीफ सनस्क्रीन इसका प्राइस तो हाँ थोड़ा ज़्यादा ही है यू गेट इट अराउंड फॉर रुपीज़ 1200. अगेन आई सजेस्ट कि आप मैकरॉन एंड ब्यूटी पॉन्ड पे चेक करते रहना क्योंकि उनका सेल चलते रहता है सो दिस सनस्क्रीन अगेन इट गिव्स अ ब्यूटिफुल फिनिश नो ऑयलीनेस नो स्टिकी फील नो ग्रीजीनेस एंड नो वाइट कास्ट ऑल्सो जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है स्किन में इसको अप्लाई करने के इमीडिएटली मतलब आ, कुछ मिनट्स तक ना थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है आपको बट आफ्टर 15 मिनट्स जब ये मेरे स्किन पे एकदम अच्छे से सेटल से हो जाता है उसके बाद ज़रा भी हेवी फील नहीं होता है एकदम लाइट वेट एंड ऑल्सो एक, एक हल्का सा डिवी ब्यूटिफुल ग्लो देता है मेरे स्किन में ये दिस सनस्क्रीन इज ऑल्सो टेस्टेड इन टू डिफरेंट लैब्स तो मैं एस पी एफ टेस्ट रिजल्ट जो है मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी एंड सेकेंडली दिस सनस्क्रीन कंटेंस राइस प्रोबायोटिक्स विच इज़ एक्सट्रीमली हीलिंग एंड कामिंग फॉर द स्किन थर्डली इज वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड इट्स सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड फाइनली इट गिव्स अ हाई यू वी ए प्रोटेक्शन बिकॉज इट्स अ पी एफ फोर प्लस सनस्क्रीन तो अगर आपको टैन की प्रॉब्लम है टैन रिड्यूस करना है टैन प्रिवेंट करना है तो फिर ये सनस्क्रीन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए टॉकिंग अबाउट द डाउन साइड्स ये सनस्क्रीन का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर सनस्क्रीन एंड सेकेंडली दिस सनस्क्रीन कंटेंट्स फर्मेंटेड इन्ग्रेडियंट्स जो कि वैसे तो बहुत ही अच्छा होता है बट किसी किसी को एलर्जी होती है फर्मेंटेड इन्ग्रेडियंट्स से तो उनके लिए ये सनस्क्रीन सूटेबल नहीं रहेगा एक्वा लॉजिका ग्लो डीवी सनस्क्रीन दिस सनस्क्रीन इज अ ड्रीम फॉर पीपल विथ ऑयली स्किन बहुत ही लाइट वेट है एंड ये लिटरली वैनिश हो जाता है स्किन के अंदर इसको अप्लाई करने के बाद लिटरली वैनिश हो जाता है आपको फील ही नहीं होता है कि आपने सनस्क्रीन अप्लाई किया है दिस सनस्क्रीन इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स स्पेशली फॉर ऑयली स्किन एंड नंबर टू इट्स अफोर्डेबल ऑल्सो ये सनस्क्रीन मैंने नोटिस किया है अगर आप एकदम अच्छा क्वांटिटी सफिशियंट एक क्वांटिटी में अप्लाई करते हो एंड टाइम टू टाइम आप रीअप्लाई करते हो तो फिर ठीक है तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है बट अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी यूज़ कर लिया या फिर रीअप्लाई करना भूल गए आप तो फिर टैन आ जाता है थोड़ा थोड़ा तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम सन में रहते हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप कोई दूसरा सनस्क्रीन यूज़ कर लो क्योंकि ये सनस्क्रीन पे ना मैं उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ स्पेशली टैन के लिए सी टैन प्रिवेंट करने के लिए आपको एक ऐसा सनस्क्रीन चाहिए होता है जो बहुत अच्छा प्रोटेक्ट protect, प्रोटेक्शन दे आपको तो इसके लिए दिस सनस्क्रीन इट्स नॉट अ बैड सनस्क्रीन इट्स अ डिसेंट सनस्क्रीन बट अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम सन में रहने वाले हो डायरेक्ट सन में रहने वाले हो तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये छोड़ के कोई और बेटर मोर मोट्रस्टवर्दी सनस्क्रीन यूज़ कर लो बेलो फोटोस्टेबल सनस्क्रीन अना वेरी वेरी गुड सनस्क्रीन एंड आई रियली ट्रस्ट दिस सनस्क्रीन क्योंकि मैं ये सनस्क्रीन अप्लाई करके काफ़ी निकल चुकी हूँ सन में मैं निकल के घूम घूम के धूप में घूम घूम के देख चुकी हूँ मैंने ट्राई किया है तो 2021 में मैं जिम कोचिंग क्लासेस में जाती थी तो मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था टू थ्री आवर्स तो मैं रोड पर ही होती थी तो एट द टाइम आई यूज दिस सनस्क्रीन एंड दिस सनस्क्रीन रियली प्रोटेक्टेड माई स्किन फ्रॉम Talking about the good part of this sunscreen, this sunscreen does its job very well. It provides a very good UVA protection and it prevents tanning. Secondly, it is affordable. Its price around 700 rupees here but its size is a hai, hai. It's 75 gram, I think. Yeah, so you get quite a good quantity. सिर्फ एक ही डाउनसाइड है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है ना उनके स्किन पे ये सनस्क्रीन थोड़ा ऑयली या ग्रीजी फील दे सकता है दैट्स इट बट और एक डाउनसाइड है इसका एक्चुअली ये सनस्क्रीन कभी कभी स्वेटिंग की वजह से इट गेट्स इनसाइड माई आईज तो मेरी आँख जलती है तो बी केयरफुल अबाउट इट इफ दिस सनस्क्रीन गेट्स इनसाइड योर आईज इट कैन इरीटेट योर आईज So that's it for this video, guys. I hope you liked this list of my favorite sunscreens. Thank you for watching this video. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel and also don't forget to hit the bell notification down there so that I can reach out to you on time. Bye bye. Take care. Love you.